जगता विधाता तू ही मन का दर्पण, तेरे बिना जग है अधूरा, तुझको हो ये जीवन अर्पण अर्पण। यह जीवन एक अद्भुत खेल है, हम सोचते हैं इसे हम चला रहे हैं, परंतु असली कर्मधारे तो सारी चीजों को मात्र देखकर ही चलायमान कर रहा है। सभी चीजों से ध्यान हटाकर केवल उस ईष्ट पर जिसने हमें ध्यान लगाना सिखाया, आइए ध्यान लगाएं। इस जीवन की सुखद यात्रा को हम और सुखद बनाएं, उनके चरणों में अपना अभिनंदन पहुंचाएं। हमारी भी यही प्रार्थना है कि ईश्वर हर क्षण आप ही हमारे संरक्षक हों, जैसा आप हमें रखना चाहते हैं वैसा हम रह पाएं, हमें इतनी समझ देना, इसकी प्रार्थना हम करते हैं। और करते हैं आज के अर्पण की शुरुआत। 6:12 हुए हैं, ये है आकाशवाणी दिल्ली का गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर आप सुनते हैं इसे। आज शीतल हूं मैं आपके साथ, आप सभी को मेरा नमस्कार, सुप्रभात, शुभ शुरुआत इस दिन की। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। प्रणाम हंस वंश अवतंस प्रणाम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जी राम जय राम, श्री राम श्री राम।
देश भर के शानदार ट्राइबल आर्ट, क्राफ्ट और क्विजीन को दिल्ली में लेकर आया है आदि महोत्सव। 10 से 18 फरवरी सुबह 11 से शाम 8 बजे तक आदिवासी गौरव और कल्याण के लिए समर्पित प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में ट्राइफेड और जनजातीय कार्य मंत्रालय भारत सरकार द्वारा आयोजित इस आदि महोत्सव में होगा आदिवासी कलाकारों के हस्तशिल्प का एग्जीबिशन, विभिन्न प्रकार के श्री अन्न, मिलेट्स और अन्य फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स, आदिवासी भाइयों और बहनों द्वारा प्रस्तुत सांस्कृतिक कार्यक्रम। आइए आदि महोत्सव, मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम, इंडिया गेट। प्रवेश निःशुल्क। चलते हैं कान्हा की नगरी ब्रिज आकाशवाणी के साथ, हर सुबह 7:10 पर सुनना न भूलें मोहे ब्रिज बिसरत राय। MHz यानी आकाशवाणी गोल्ड पर। मोहे ब्रिज बिसरत राय। ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं गोल्ड 100.1 पर। और गोल्ड पर चल रहा है आपका अपना अर्पण। चलिए चलते हैं न होने से होने की ओर। दुख क्या है? सुख का ना होना। भ्रम क्या है? स्पष्टता का ना होना। अंधेरा क्या है? रोशनी का न होना। लड़ाई क्या है? शांति का न होना। अर्थात जितनी भी नकारात्मक चीजें हैं उनका कोई अस्तित्व ही नहीं है, बस वो उनके सकारात्मक रूप का अभाव है। यदि हम अपने जीवन में कभी भी दुखी हों, परेशान हों, तो हमें सिर्फ अपने आप को ये एहसास दिलाना है, खुद के बारे में ये जानना है कि हम बहुत सी चीजों से भरे हुए हैं, हम रिक्त नहीं है। ईश्वर ने हमें गुणों से, इन प्राणों से और इस पूरे संसार से, अनेक चीजों से हमें नवाजा है और हमें उनका धन्यवाद करना है। और देखिएगा, जब आप आभारी बनेंगे तो जीवन में जो जो आपको लग रहा था कि नहीं है, सब लगने लगेगा कि हाँ है। रसना राम ही गावहि कहे ना, रसना राम ही गावहि कहे ना, रसना अपवाद वृथा कत पर सुख के, अपवाद वृथा कत रटी रटी राग बढ़ावे, राग बढ़ावे कहे ना, रसना Thank you.
शानदार ट्राइबल आर्ट क्राफ्ट और क्विजीन को दिल्ली में लेकर आया है आदि महोत्सव 10 से 18 फरवरी सुबह 11 से शाम 8 बजे तक आदिवासी गौरव और कल्याण के लिए समर्पित प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में ट्राइफेड और जनजातीय कार्य मंत्रालय भारत सरकार द्वारा आयोजित इस आदि महोत्सव में होगा आदिवासी कलाकारों के हस्तशिल्प का एग्जीबिशन विभिन्न प्रकार के श्री अन्न मिलेट्स और अन्य फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स आदिवासी भाइयों और बहनों द्वारा प्रस्तुत सांस्कृतिक कार्यक्रम आइए आदि महोत्सव मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम इंडिया गेट प्रवेश निःशुल्क ये है आकाश देश भर के शानदार
6:31 और 14 सेकंड हुए हैं। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। ये है अर्पण। हमारे जीवन में बहुत थोड़ा सा समय है। एक काल वो था जब हम नहीं थे, एक समय ये है जब हम हैं, और एक समय होगा जब हम नहीं होंगे। अर्थात जीवन का महत्व हमें इन्हीं शब्दों से समझ लेना चाहिए, पर न जाने क्यों हम इस संसार की मोह माया में, इन कामों में इतने उलझे रहते हैं कि हमें एहसास ही नहीं होता कि हम बहुत थोड़े से समय के लिए यहाँ आए हैं। और जब समय बहुत थोड़ा होता है तो हम जीवन में वो कार्य करते हैं जो सबसे ज्यादा जरूरी होता है। हमारे जीवन में जो सबसे ज्यादा जरूरी है वो है ईश्वर का ध्यान, उनकी भक्ति, उनका भजन। क्या हम वो करते हैं? हम सोचें, यदि हम नहीं करते तो हमें ये सोचना होगा कि कहीं हम भूल तो नहीं गए हैं कि हम जाने वाले हैं, या हम बहुत थोड़े से समय के लिए संसार में आए हैं। अर्थात यदि हम अपने जीवन के महत्व को जानते हैं तो हमें ये भी मालूम होना चाहिए कि इसका एक एक क्षण जो जा रहा है वो लौट कर नहीं आएगा, और नहीं आएगा तो क्या है इसका इलाज? इसका इलाज ये है कि हम इसके हर एक क्षण को पूर्णता के साथ जिएं, हरि के चरणों में ध्यान लगा कर जिएं। राम कहो, रहमान कहो, कोकान कहो, महादेवरी, पारसनाथ कहो, को ब्रह्मा, सकल ब्रह्म स्वयमेवरी। राम कहो, रहमान कहो, कोकान कहो, महादेवरी, पारसनाथ कहो, को ब्रह्मा, सकल ब्रह्म स्वयमेवरी। राम कहो, रहमान कहो, भाजन भेद कहावत नाना, एक मृत्तिका रूपरी, भाजन भेद कहावत नाना, एक मृत्तिका रूपरी, तैसे खंड कल्पना रोपित, तैसे खंड कल्पना रोपित, आप अखंड स्वरूपरी, आप अखंड स्वरूपरी। राम कहो, रहमान कहो, कोकान कहो, महादेवरी, पारसनाथ कहो, को ब्रह्मा, सकल ब्रह्म स्वयमेवरी। राम कहो, रहमान कहो, पद रमे राम सो कहिए, रहम करे रहमान री, निज पद रमे राम सो कहिए, रहम करे रहमान री, करबे कर्म कान सो कहिए, करबे कर्म कान सो कहिए, महादेव निर्वाण री, महादेव निर्वाण री। राम कहो, रहमान कहो, कोकान कहो, महादेवरी, पारसनाथ कहो, को ब्रह्मा, सकल ब्रह्म स्वयमेवरी। राम कहो, रहमान कहो, परस रूप पारस सो कहिए, ब्रह्म चिन्ह सो ब्रह्मरी, परस रूप पारस सो कहिए, ब्रह्म चिन्ह सो ब्रह्मरी, इहि विधि साधो आप आनंद घन, इहि विधि साधो आप आनंद घन, चेतन मय निकर मरी,
तन मय निकर मरी। राम कहो रहमान कहो ओ कान कहो महादेवरी, पारसनाथ कहो को ब्रह्म सकल ब्रह्म स्वयमेवरी। राम कहो रहमान कहो राम कहो रहमान कहो। देश भर के शानदार ट्राइबल आर्ट क्राफ्ट और क्विजीन को दिल्ली में लेकर आया है आदि महोत्सव। 10 से 18 फरवरी सुबह 11 से शाम 8 बजे तक आदिवासी गौरव और कल्याण के लिए समर्पित प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में ट्राइफेड और जनजातीय कार्य मंत्रालय भारत सरकार द्वारा आयोजित इस आदि महोत्सव में होगा आदिवासी कलाकारों के हस्तशिल्प का एग्जीबिशन, विभिन्न प्रकार के श्री अन्न मिलेट्स और अन्य फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स, आदिवासी भाइयों और बहनों द्वारा प्रस्तुत सांस्कृतिक कार्यक्रम। आइए आदि महोत्सव, मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम, इंडिया गेट, प्रवेश निःशुल्क। ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं गोल्ड 100.1 पर। हमारा जीवन धूप और छांव, रात और दिन, अंधेरा और उजाला, ऐसी ही बहुत सी एक दूसरे की विपरीत परिस्थितियों वाली चीजों से बना है। जब हम दुखी होते हैं तो वहां सुख का अभाव होता है। जीवन में बहुत सी समस्याएं आती हैं, लेकिन याद रखिए कि समस्याओं के साथ साथ हमारे जीवन में बहुत से समाधान भी हैं। जब भी हमारे जीवन में समस्याएं आएं तो हमारे पास तीन समाधान हो सकते हैं जिन्हें हम अपना सकते हैं। पहला, हम उसे स्वीकार कर लें। दूसरा, स्वीकार नहीं कर सकते तो बदल दें, और यदि बदल नहीं सकते तो फिर उसे ईश्वर के ऊपर छोड़ दें। अर्थात जीवन को एक कठिन रास्ते पर आगे बढ़कर यूं ही जीते जाना और अपने आप को ईश्वर चरणों में समर्पित कर देना, ये बताता है कि हम इस अनमोल जीवन के मोल को जानते हैं। हम जानते हैं कि परमपिता परमात्मा ने हमें जो ये महत्वपूर्ण शरीर दिया है, ये जीवन दिया है, ये अपने आप में किसी अमूल्य रत्न से कम नहीं है।
आइए हर एक श्वास का उत्सव मनाते हैं। हम जीवित हैं उस परम पिता परमात्मा का ध्यान करते हैं, उनके गुणगान गाते हैं। जपो राम राम श्री राम जय जय राम, जपो राम राम जपो राम जय जय राम, जपो रे राम नाम सुखदाई, राम सुखदाई, जपो रे राम नाम सुखदाई। राम नाम के दो अक्षर में, राम नाम के दो अक्षर में सब सुख शांति समाई, राम नाम सुखदाई, जपो रे राम नाम सुखदाई। उन्हीं का नाम जपते रहें, उन्हीं का नाम रटते रहें, उन्हें याद करते रहें, यही हमारी कामना। अर्पण में आगे बढ़ने का समय और वक्त है रामचरितमानस से पाठ का। आइए सुनते हैं बाल कांड के कुछ अंश। वन में भटकते हुए प्रताप भानु को एक आश्रम दिखाई दिया, जिसका निवासी एक ऐसा राजा था जिसे युद्ध में प्रताप भानु ने कभी परास्त किया था और वो अब मुनि के कपटी वेश में अज्ञातवास कर रहा था। उसने प्रताप भानु की खूब आवभगत की। सरित सर जल बिनु भय अचेत। हिरत विपिन आश्रम एक देखा, तहां बसन पति कपट मुनि दे जासुदेशन पली न छड़ाई, समर सेन तजी गयो पराई। समय प्रताप भानु कर जानी, आपन अति असमय अनुमानी, गय न गृह मन बहुत गलानी, मिलान राजहीन प अभिमानी। त्रिसौर मारी रंक जिमी राजा, विपिन बसई तापस के साजा, तासु समीप गवन नृप कीन्हा,
यह प्रताप रवि तेही तब चीन्हा। राउत ऋषित नहीं सो पहचाना, देखी सुवेश महामुनि जान। उतरी तुरग ते कीन प्रणामा, परम चतुर न कहेउ निज नामा। समेत हय कीन्ह नृपति हर्षाय। गय शम सकल सुखीन पभयउ, निज आश्रम तापस ले गयउ। आसन दीन अस्तर बिजानी, उनि तापस बोले मृदु बानी। को तुम कस बन फिरहु अकेले, सुंदर जुबा जीव पर हेले। चक्रवर्ती के लक्षण तोरे, देखत दया लागी अति मोरे। नाम प्रताप भानु अवनीसा, तासु सचिव मैं सुनहु मुनीसा। फिरत अहेरे परे भुलाई, बड़े भाग देखे पद आई। हम कहाँ दुर्लभ दरस तुम्हारा, जानत हूँ कछु भल हो निहारा। कह मुनि तात भयउ अंधियारा, जो जन सत्तरी नगर तुम्हारा। अस जानी तुम जाए हो खुद बिहान। बांधी तुरग तरु बैठ महीसा,
नृप बहु भांति प्रसंसे उताही चरण बंदी निज भाग्य सराही उनी बोले उमृतु गिरा सुहाई जानी पिता प्रभु करहुं ढिठाई मोहि मुनीस सुत सेवक जानी नाथ नाम निज कहउ बखानी तेहि न जान नृपन पहि सो जाना भूप सुहृद सो कपट सयाना बैरी पुनि क्षति पुनि राजा छल बल कीन चहि निज काजा समुझि राज सुख दुखित अराती अव अनल इव सुलगई छाती सरल बचन नृप के सुनिकाना बयर संभारी हृदय हर्षाना अभी हम सुन रहे थे रामचरितमानस से पाठ जिसमें आज हमने सुने बालकांड के कुछ अंश। कुछ क्षणों में आप सुनेंगे संस्कृत में समाचार, उसके बाद अंग्रेजी और हिंदी में समाचार, और उसके बाद आप और हम होंगे आकाशवाणी गोल्ड सुबह सवेरे में साथ। तो अभी के लिए दीजिए इजाजत और सुनना न भूलिएगा हमारा विशेष कार्यक्रम मोहे ब्रिज।